हेलो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी में आज जो हम नया ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर आइसोप्टेरा। ऑर्डर आइसोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट शामिल है और उनके करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, तो आज इनको हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं जी। ऑर्डर आइसोप्टेरा जिस तरह लिखते हैं कि जी, द नेम आइसोप्टेरा मीन्स इक्वल विंग्स, यानी आइसो मीन इक्वल और अप्ट्रामीन विंग्स, यानी इन इस ऑर्डर में जितनी भी इंसेक्ट शामिल है, जो इंसेक्ट शामिल है उनकी जो विंग्स है वो बिल्कुल इक्वल विंग्स है। बिकॉज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव एडल्ट्स हैव टू पेयर ऑफ विंग्स इक्वल इन लेंथ एंड इंक्लूड टर्माइट्स, यानी इस ऑर्डर में जो इंसेक्ट शामिल है वो टर्माइट्स है। अब टर्माइट्स में आपको पता है कि विंग इस तरह हमें नजर नहीं आती कि टर्माइट्स में विंग्स है, लेकिन इनकी जो रिप्रोडक्टिव कास्ट है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की कास्ट होती है टर्माइट्स में, तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव कास्ट है उसमें बाकायदा विंग्स होते हैं और उस विंग्स की जो क्वालिटी है वो क्या है, वो इक्वल विंग है, और इस इक्वल विंग की वजह से इस ऑर्डर का नाम रखा गया है ऑर्डर आइसोप्टेरा। टर्माइट्स ऑफ द ऑर्डर आइसोप्टेरा फर्स्ट अफियर ओवर 250 मिलियन ईयर्स एगो, यानी एवोल्यूशन में या मतलब इस अर्थ सरफेस पे टर्माइट्स कब अपीयर हुए वो 250 मिलियन ईयर्स एगो इनकी हिस्ट्री है। दीज सोशल इंसेक्ट, ये सोशल इंसेक्ट भी है जिस तरह के हाइमेनोप्टेरा है, हनी बीज है या मुख्तलिफ किस्म के और एंट्स है, चिमेंटिया है, तो ये भी सोशल इंसेक्ट है और जो कि सेलुलोज पे फीड करते हैं। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वुड, यानी वुड का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जो वुड जिस चीज़ से बनी हुई वो सेलुलोज है। तो ये इंसेक्ट या टर्माइट्स किस चीज़ पे फीड करते हैं? ये वही उसी सेलुलोज पे फीड करते हैं, और वुड बाई प्रोडक्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट जो कि वुड से बनी हुई है, जो वुड से बनी हुई है तो जाहिर बात है उसमें भी सेलुलोज जो है वो एक मेजर कंपोनेंट होगा। ऑर्डर आइसोप्टेरा में फिर मजीद जो करेक्टरिस्टिक है कि इनमें जी टू पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये किस में है, ये उन रिप्रोडक्टिव कास्ट में होती है, अदरवाइज दूसरी जो और कास्ट सिस्टम है उसमें दूसरे में नहीं होती, जिस तरह के वर्कर्स है, दूसरे सोल्जर्स है या किंग है, उनमें नहीं होती, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव कास्ट में होती है। विंग्स आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव कास्ट एंड शेड आफ्टर मेटिंग, जो ही इनकी मेटिंग हो जाती है तो इनकी विंग्स जो है वो शेड कर जाते हैं। इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी इसमें चिविंग माउथ पार्ट्स होते हैं, इनमें इनकी मैंडिबल्स होते हैं बाकायदा। टर्माइट्स आर सोशल इंसेक्ट एंड लाइव इन कॉलोनीज, यानी ये कॉलोनीज में रहते हैं, सोशल इंसेक्ट है, कॉलोनी में रहते हैं। सोशल इंसेक्ट का मतलब ये कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ये कॉलोनीज में रहते हैं जिसमें कि क्वीन, स्टराइल वर्कर्स और सोल्जर्स होते हैं और विंग रिप्रोडक्टिव मेल्स एंड फीमेल, जिसको हम एलेट भी कहते हैं, आगे आएगा जी। तो ये तीन किस्म की कास्ट होते हैं, ये देखो ये सोल्जर है। अब सोल्जर्स की जो माउथ पार्ट की स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल इसी तरह बनी हुई कि ये डिफेंस के लिए काम आ जाते हैं, जो ही कॉलोनी पे कोई फॉरेन चीज़ अटैक करते तो ये डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किंग है, ये क्वीन है जो कि एक एगलिंग मशीन होती है कॉलोनी में, और ये फिर वर्कर है उसी कॉलोनी में ही। आइसोप्टेरा प्ले अ मेजर रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लानट, ये चूंकि डिड वुड की डिकम्पोजिशन करते इसलिए कहते कि ये इनका मेजर रोल है डिकम्पोजिशन में। दे हैव पेल एलांगेटेड बॉडीज एंड आर समटाइम कॉल्ड वाइट एंट्स, यानी इनको वाइट एंट्स भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैव टू पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स, ये बार बार आवाज आ जाती है कि इनकी जो लेंथ होती है वो विंग्स की वो इक्वल होती है। टर्माइट शेड देयर विंग्स आफ्टर मेटिंग, और जो ही मेटिंग हो जाती है तो वो शेड करते हैं। जब हम बरसात के मौसम में हम देखते हैं तो लाइट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के परवाने हम देखते कि आ जाते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के ये जो परवाने होते हैं ये आपस में असल में लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है मेट को ढूंढने के लिए, यानी मेटिंग के लिए आ जाते हैं। इसी मेटिंग के एक्सप्लोरेशन के दौरान कुछ
परवाह नहीं, ये वही टर्माइट से जो कि हम कहते हैं कि जी इनका रिप्रोडक्टिव कास्ट है, जो कि हम कहते हैं कि जी आ जाते हैं लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं खासकर बरसात के मौसम में। तो ये उनका वही टर्माइट्स का रिप्रोडक्टिव कास्ट है जिस जो कि विंग्स डिवेलप कर जाते हैं और लाइट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इनमें से जाहिर बात है नेचुरल कंट्रोल की बेसिस पे बहुत सारे जो है उनको चपकलिया कहा जाते हैं, कोई मेंढक वगैरह कहा जाते हैं, लेकिन जो कि जो सक्सीड हो जाते हैं मेटिंग में, तो मेटिंग के बाद ही उनकी जो है वो विंग्स सेट कर जाती है और ये किसी क्रिवाइस या किसी चीज़ के अंदर चले जाते हैं और फिर एक नई कॉलोनी जो है वो स्टार्ट कर जाते हैं। एज विद हनी बीज द टर्माइट्स क्वीन कंट्रोल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सी खास कंट्रोल करती है, उनका जो क्वीन है, क्योंकि ये सोशल इंसेक्ट है इसलिए इनका जो क्वीन है ये रिप्रोडक्शन ही को कंट्रोल कर लेती है। हाउएवर इन द टर्माइट्स वर्ल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव आर किंग, इसमें किंग भी होता है, आल्दो कितना फंक्शनल नहीं होता लेकिन किंग भी उसमें होता है, स्टेज विद द किंग विद द क्वीन एंड कंटिन्यू टू फर्टिलाइज हर एग्स फॉर लाइफ, यानी किंग भी होता है। किंग का काम जो है वो सिर्फ क्या है, मेटिंग है या फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स ऑफ द क्वीन। क्वीन चूंकि एग लेइंग मशीन है तो इसको फर्टिलाइज करने के लिए क्या है, किंग जो है ये काम परफॉर्म कर लेता है। टर्माइट्स अंडरगो सिंपल मेटामॉर्फोसिस, यानी इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट है टर्माइट्स है उसमें क्या है, सिंपल मेटामॉर्फोसिस है। ये लाइफ साइकिल ऑफ द टर्माइट्स है, ये वर्कर टर्माइट्स है, ये निम है जो कि एगलिंग के बाद आ जाता है, ये सोल्जर है जो कि डिफेंस का काम करते हैं, ये क्वीन है, और ये एलेट्स है। अलेट्स वो रिप्रोडक्टिव कास्ट है जो जिसको मैंने आपको बताया कि बरसात के मौसम में इनके विंग्स जो है वो निकल आ जाते हैं और लाइट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइट की तरफ जब अट्रैक्ट हो जाते तो उनमें मेटिंग हो जाती है और मेटिंग के बाद उनकी विंग्स जो है वो शेड कर जाते हैं और वो फिर किसी क्रिवाइस किसी सुराख में चले जाते हैं और एक नई कॉलोनी जो है वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लाइफ साइकिल है, ये किंग है और ये क्वीन है, इनकी एगलिंग होती है, एगलिंग से फिर निम्फ या लार्वा या इमैच्योर फॉर्म निकलते हैं। अब इमैच्योर फॉर्म जो है वो इनकी दो रास्ते हैं, देखो दो जगह दिखा रहे हैं, एक है जी डेवलपिंग विंड फॉर्म यानी वो जो कि एलेट्स है जो कि अभी नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में जाएंगे बरसात के मौसम में, ये निकल आएंगे और लाइट की तरफ प्रोटेक्ट हो जाएंगे और इनमें मेटिंग होगी और ये नई कॉलोनी स्टार्ट करेंगे, जबकि दूसरी जो है इनसे क्या डेवलप होंगी, इसी नेम से यानी इसी इमेच्योर स्टेज से इनके वर्कर्स डेवलप होंगे और सोल्जर्स डेवलप होंगे जो कि कॉलोनी में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस है वो करेंगे। विंग रिप्रोडक्टिव एलेट्स, ये जो है ये विंग्स रिप्रोडक्टिव एलेट्स यानी ये रिप्रोडक्टिव कास्ट जो है इनको एलेट भी कहते हैं, सही है। ये देखो इनकी वो स्ट्रक्चर है जिनकी विंग डिवेलप है, मेल एंड फीमेल विंग्स शेड, अब अगर इनकी फिर मेटिंग हो जाती है एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर उनकी विंग्स जो है वो शेड हो जाती है और वो किसी सुराख के अंदर जाके तो नए किंग और क्वीन की हैसियत से नई कॉलोनी की जो है वो शुरुआत कर देती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टर्माइट्स एंड ऑर्डर आइसोप्टेरा, इसके साथ ही कंक्लूड कर लेते आज के लेक्चर को। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।